A very good morning, children. Now we are going to start our second lesson, that are nouns, number and gender. This is the second lesson of class 6th. Okay, and first lesson mein humne kya padha tha? Humne first lesson mein nouns ke bare mein padha tha ki kitne types ke nouns hote hain, nouns kya hote hain, proper noun, common noun, collective noun, abstract nouns, or abstract nouns mein verbal nouns or attributive nouns, ye sare kya kaun se nouns hote hain, humne ye sari cheeze padhi thi. Ab hum padhenge nouns, number and gender. So countable and uncountable nouns. तो अब हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, countable and uncountable nouns. तो what are countable nouns? Countable वो nouns होते हैं जिन्हें हम count कर सकते हैं, and uncountable nouns कौन से होते हैं जिन्हें हम count नहीं कर सकते हैं. Like when we are talking about countable nouns, हम बोल सकते हैं two teachers और two classrooms और four classrooms. जब हम किन्हीं दो टीचरों को specify कर रहे हैं कि दो टीचर हैं, मतलब हम उन दो टीचर्स को count कर सकते हैं, तो वो countable nouns में आ जाएंगी. But whenever we say, तो वो countable nouns में आ जाएंगी. But whenever we say sugar or we are talking about salt or we are talking about milk, क्या हम उसे count कर सकते हैं? नहीं count कर सकते. Then it comes under uncountable nouns. Now countable nouns are those which have singular and plural forms. आप countable nouns में क्या होता है, singular और plural forms में होते हैं. जब हम singular की बात करेंगे, that means कि वो जो countable nouns है, वो nouns जिनको हम count कर सकते हैं, वो एक है. जब वो एक होगा तो वो singular form में होगा, और जब वो कई सारे होंगे, like we are talking about dogs, तो एक dog भी हो सकता है, कई dogs भी हो सकता है, तो वो plural form में हो जाएगा. Singular form refers to only one thing or person. Singular form, जैसा कि मैंने बताया, वो refer करता है किसी भी एक चीज़ और एक person के बारे में, और plural refers to more than one. और प्यूरल से हमें क्या पता चलता है कि वो जो भी चीज़ है या जो पर्सन है या जो भी एनिमल है, वो एक से ज़्यादा है. दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड, और बट कॉमन चीज़ क्या है कि वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. लाइक सिंगुलर में क्या एक एग्जांपल है, अ डॉग इज बार्किंग, एक डॉग है जो बार्क कर रहा है. लेकिन जब हम प्लूरल से करें, तो लेट्स से वन एग्जांपल, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, अ डॉग इज बार्किंग, एक डॉग है जो बार्क कर रहा है, जब हम प्लूरल करते हैं इसको तो क्या हो जाता है, डॉग्स आर बार्किंग, कई डॉग्स हैं जो बार्क कर रहे हैं. सेम विद दिस विद द नेक्स्ट एग्जांपल, सिंगुलर में क्या है, अ कार इज पार्क्ड इन द ड्राइववे, रास्ते में एक कार खड़ी है. बट जब प्लूरल हो जाएगा तो कार्स आर पार्क्ड इन द ड्राइववे, रास्ते में कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि ये प्लूरल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है. अब कभी कभी जो एस लगाने से, किसी भी वर्ड में एस लगाने से हम सिंगुलर से प्लूरल में बदल लेते हैं, जैसे गर्ल में एस लगाने से गर्ल्स हो जाता है, एक गर्ल मींस एक लड़की थी, गर्ल्स में कई लड़कियां हो गई. बॉल में एस लगा देंगे तो बॉल्स हो जाएगा. सेम विद अस विद जग, जग्स, फोन, फोन्स, किंग, किंग्स. बट कुछ वर्ड्स में क्या होता है, प्लूरल्स ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन एस एच, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एंड करते हैं एस एच से या सी एच से और एस से और एक्स से, उनका फॉर्मेशन प्लूरल में कैसे होता है, एस लगाने से नहीं होता है, उसमें हमें ई एस लगाना होता है. लाइक डिश, डिश में क्योंकि ये एस एच से एंड हो रहा है, उसमें हम एस नहीं लगा के प्लूरल बनाएंगे, हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई एस. तो डिश को जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, डिशेज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि जो भी वर्ड्स एस एच या सी एच या एस और एक्स से ख़त्म होते हैं, उन्हें प्लूरल में बनाने के लिए हमें उस एस एच या सी एच या एस और एक्स से ख़त्म होते हैं, उन्हें प्लूरल में बनाने के लिए हमें उसमें कौन सा सफिक्स ऐड करना पड़ेगा, ई एस. वी लैड ई एस आफ्टर दैट वर्ड टू मेक इट प्लूरल. नाउ लाइक डिश कम व्हेन इट, व्हेन वी ऐड ई एस विद डिश इट बिकम्स डिशेज. विश, विशेज. मैच, मैचेस. सेम विद बॉक्स, बॉक्स में क्योंकि एंड कर रहा था ये वर्ड एक्स से, तो जब एक्स से एंड हो रहा था तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, ई एस. बॉक्सेस, ग्रासेस, बॉसेस, लाइकवाइज. ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं कि और कुछ सिंगुलर वर्ड्स में प्लूरल चेंज करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है. लाइक वर्ड्स दैट एंड विथ ओ, जो वर्ड्स ओ से एंड होते हैं उनका प्लूरल बनाने में हमें क्या ऐड करना होता है, एस और ई एस. कभी हमें उनके प्लूरल्स में एस ऐड करना पड़ता है, कभी ई एस. लाइक वॉल्केनो, वॉल्केनो को जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस. और वॉल्केनो एंड किससे हो रहा है, ओ से.
फोटो, फोटो में सिर्फ एस लगाएंगे, वीडियो में सिर्फ एस लगाएंगे, पियानो में एस लगाएंगे, ऑटो में एस लगाएंगे, बट यहाँ जो वर्ड्स हैं वो ओ से एन तो हो रहे हैं बट उन्हें क्रिएटिव बनाने में हमें एस लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा. लाइक बफेलो, जब हम बफेलो को क्रिएटिव में चेंज करेंगे तो हम उनमें ई एस ऐड करेंगे, बफेलोज. मस्किटो, मस्किटो में हमें ई एस लगा के मस्किटोज बनाना पड़ेगा. टमेटोज, पोटैटोज. लाइक अब नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना है, वर्ड्स दैट एंड इन एफ और एफ ई फॉर्म दियर प्यूरल्स बाय चेंजिंग और एफ ई फॉर्म दियर प्यूरल्स बाय चेंजिंग एफ ई टू वी एस. अब वो वर्ड्स जो कि एफ और एफ ई से एंड करते हैं, लाइक नाइफ, नाइफ एंड्स विद एफ ई, वाइफ एंड्स विद एफ ई, हाफ एंड्स विद एफ, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं इनको प्यूरल में चेंज करने के लिए हमें वी ई एस ऐड करना होता है. लाइक लोफ्स, लोफ्स को प्यूरल में चेंज करने के लिए एल ओ ए वी ई एस ऐड करना पड़ेगा. क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस. तो जो भी वर्ड्स जो एफ और एफ ई से एंड करते हैं उन्हें जब भी हमें प्यूरल में चेंज करना होगा तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वी ई एस. ओके, दिस हैज टू बी नोटेड, very important. This is the most important points to be noted here. Now, the plurals of words that end in y are formed by changing y into is. अब उन words के plural जो कि end करते हैं y से, अब जैसे जो word जो y से end करेंगे उन्हें जब हमें plural में change करना पड़ेगा तो उनका plural कैसे बनेगा, उसमें ies add करने से. Like fly, fly y से एंड होता है, लेडी y से एंड होती है, तो जब भी हम इसे प्यूरल में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में ies लग जाएगा. fly becomes flies, story becomes stories, baby becomes babies. baby ends with y but while making it in a plural form you have to add ies after this word. now some words have the same singular and plural forms. ऐसे words भी होते हैं जिनका singular और plural बिल्कुल same होता है, like deer. deer का singular भी deer होता है और plural भी deer ही होता है. sheep, sheep. aircraft, aircraft. information, information. the spacecraft, spacecraft. ये कुछ ऐसे words हैं जिनमें plural बनाते वक्त भी कोई भी changes नहीं आते हैं, तो ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है. और ये सारी वर्कशीट्स में और जो स्कैन पेजेस हम आपको वेबसाइट पे अपलोड करेंगे उसमें ये सारे के सारे, ये जो बने हुए हैं ब्लॉक्स, ये सारे बने हुए हैं जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन लर्न देम टू. नाउ सम वर्ड्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय मेकिंग अ चेंज इन द वोवेल्स इन द वर्ड्स. अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको, जिनमें सिर्फ वोवेल साउंड, जिनके वोवेल्स होते हैं उसमें चेंज कर देने से वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं. लाइक फुट, फुट बिकम फीट. अब इसमें फुट को फुट्स नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो वोवेल साउंड होता है वो चेंज हो जाता है. लाइक ओ ओ इसका चेंज होकर ई ई में बन जाएगा. गूज, गीज. मैन, मैन. वुमन, वुमेन. टूथ, टीथ. ओएसिस, ओएसिस. एक्सेस, एक्सेस. लव्स, लीस. माउस, माइस. तो ये हमें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है जो हमें बहुत ध्यान से और एक बार नहीं कई बार पढ़ना होगा. नाउ इररेगुलर प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द सिंगुलर फॉर्म कम्प्लीटली. लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जब उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं. लाइक चाइल्ड बिकम चिल्ड्रन, डाई डाइस. ऑक्स, ऑक्सन. फिनोमिनन, फिनोमेना. मीडिया, डाई डाइस. ऑक्स, ऑक्सन. फिनोमिनन, फिनोमेना. मीडियम, मीडिया. पर्सन, पीपल. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि कम्प्लीटली चेंज होते हैं प्लूरल में चेंज होते वक्त. नाउ द प्लूरल ऑफ कंपोनेंट, सॉरी कंपाउंड नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द की और मेन वर्ड्स. अब कुछ ऐसे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, मतलब जो कोई, जिसको कहना चाहिए हमें, जो कोई डेजिग्नेशन और कोई हमें रिलेशन या कुछ ऐसी चीज़, ऐसे नाउन्स जो हमें बताते हैं, लाइक कमांडर इन चीफ. कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है, ये अपने आप में एक क्वालिटी रखता है, ये एक डेजिग्नेशन इस तरीके का डिफाइन करता है. वो नाउन्स जब हम चेंज करते हैं उसमें भी एस लगाने से ही कभी कभी उनका जो नाउन होता है, नाउन मतलब उसमें एक ही वर्ड में सिर्फ एस लगा दिया हमने, जो की वर्ड होता है, की वर्ड में सिर्फ एस लगाने से वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं. जैसे कमांडर इन चीफ, यहाँ पे कमांडर इन चीफ जो है ये कोई डेजिग्नेशन है, तो यहाँ पे हम कमांडर इन चीफ्स नहीं करेंगे जब हम इन्हें प्लूरल में चेंज करेंगे. क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ. पासर्स बाय,
पासर बाय में क्या हो जाएगा, पासर में एस लग जाएगा, पासर्स बाय. लुकर ऑन, लुकर्स ऑन. मेड ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर. एडिटर इन चीफ, एडिटर्स इन चीफ. डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ. डॉक्टर इन फिलोसफी, डॉक्टर्स इन फिलोसफी. रनर अप, रनर्स अप. ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. आई होप दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. And there's a worksheet along with this video which you have to practice in your home. Thank you so much.